बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर फ्रॉम सुप्रीम एजुकेशन स्कूल सिस्टम। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो प्लीज़ स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ। स्टूडेंट्स, एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू, सो दिस इज लेक्चर फॉर क्लास फाइव। क्लास फाइव, टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर सिक्स, द लिटल डच बॉय, ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज अबाउट अ लिटल बॉय हु सेव हिज सिटी। सो लेट स्टार्ट रीडिंग द लिटल डच बॉय। इन हॉलैंड अ लॉट ऑफ द लैंड इज बिलो सी लेवल। हॉलैंड इज अ नेम ऑफ अ कंट्री। हॉलैंड में जो बहुत सारी ज़मीन है वो समुद्री सतह से नीची है। There are huge walls called dikes that hold back the sea. वहाँ बहुत बड़ी दीवारें हैं जिन्हें dikes कहा जाता है, that hold back the sea, जो के समंदर को पीछे से रोकती हैं। It is very important, ये बहुत ज़रूरी है, to keep watching the dikes in the case they are damaged, के उन दीवारों की देखभाल की जाए in case इस सूरत में they are damaged, के वो टूट फूट गई हों या तबाह हो गई हों। One story tells of a little boy called Hans Brinker who lived in Haarlem in Holland. ये कहानी हमें एक छोटे से लड़के Hans Brinker के बारे में बताती है who live in Haarlem. Haarlem is a city in Holland. Haarlem जो है वो हॉलैंड में एक शहर का नाम है। Who live in Haarlem in Holland, जो के हॉलैंड के एक शहर Haarlem में रहता था। One day, एक दिन, he was playing near one of the dikes. एक दिन वो उस दीवार के करीब खेल रहा था। There had been lots of rain, so the water was very high. उस दिन बारिश बहुत होती जा रही थी और पानी जो था वो बहुत बुलंद हो गया था। Hans was glad the big walls were there to hold back the water. Hans बहुत खुश था कि वहाँ वो बड़ी दीवारें मौजूद थीं जो कि पानी को पीछे से रोक सकती थीं। It was Getting dark, अंधेरा छा रहा था and he began to run home, वो घर जाने के लिए भागा। Suddenly, अचानक, Hans stopped and listened, Hans रुका और उसने सुना। He could hear water flowing, वो पानी के बहाव को सुन सकता था। To his horror, he saw a small hole in the dike, वो बहुत खौफ ज़दा हो गया। He saw a small hole in the dike, जब उसने दीवार में एक छोटा सा सुराख देखा। अ लीक इन द डाइक, एक सुराख डाइक में। डाइक जो है वो ऐसी दीवार को कहते हैं जो कि हॉलैंड में बनाई जाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी सी दीवारें होती हैं जो कि वहाँ पर समुंदर के पानी को रोकने के लिए बनाई जाती हैं। तो वो जो है Hans Brinker कह रहे हैं अ लीक इन द डाइक, दीवार में एक सुराख। Hans knew that, Hans जानता था डैट इफ द वाटर वॉज नॉट स्टॉप द डाइक वुड ब्रस्ट, कि अगर पानी को रोका ना गया तो ये दीवार जो है वो ब्रस्ट मीन फट जाएगी एंड द पीपल ऑफ Haarlem वुड ड्रॉन, और Haarlem के जो लोग हैं वो डूब सकते हैं। Hans stuck, stuck मीन चिपका देना। Hans stuck his thumb into the hole to stop the water. Hans ने अपना अंगूठा सुराख के आगे चिपका दिया पानी को रोकने के लिए। He began to shout for help, उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। बट नो बडी हियर्ड हिम, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। Hans was alone, Hans अकेला था and frightened, frightened mean खौफजदा होना और बहुत खौफजदा था। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, ही कुड नॉट मूव, वो यहाँ से हिल नहीं सकता। द मून केम आउट, सूरज निकल आया एंड Hans kept shouting, और Hans चिल्लाता रहा। ही स्पेंट ऑल नाइट विद हिज थंब इन द होल, उसने सारी रात सुराख पर अंगूठा रखे ही गुजार दी। ही वॉज एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन बहुत थक जाना, वो बहुत थक गया था। बट ही न्यू नॉट टू गिव अप, लेकिन वो जानता था कि हार नहीं मानेगा। गिव अप मतलब किसी चीज़ से हार ना मानना। ही वॉज एग्जॉस्टेड बट ही न्यू नॉट टू गिव अप, वो बहुत थक गया था लेकिन वो जानता था कि हार नहीं मानेगा। Just as the sun was rising, जैसे ही सूरज तलू हुआ, rising मतलब सूरज निकलना, जैसे ही सूरज निकला, a man was walking along the top of the dike, एक आदमी जो कि उस दीवार के ऊपर चल रहा था,
द मैन थॉट, आदमी ने सोचा, ही हियर द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड, के उसने एक बच्चे की आवाज़ सुनी है. ही लीन्ड ओवर, वो नीचे झुका, लीन्ड होता है झुकना, एंड सा द लिटल बॉय हैंड्स, और छोटे लड़के हैंड्स को देखा. गो क्विकली एंड गेट हेल्प, सेड हैंड्स, जल्दी से जाओ और मदद के लिए लेकर आओ, हैंड्स ने कहा. आई एम कीपिंग द वाटर आउट ऑफ द टाउन विद माई थंब, मैंने अपने अंगूठे से पानी को कस्बे में आने से रोका हुआ है. अ लॉट्स ऑफ पीपल अराइव्ड, बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे, एंड बिगन टू फिक्स द डाइक, और दीवार को जोड़ना शुरू कर दिया. द टाउन पीपल्स वर डिलाइटेड विद देयर लिटल हीरो, उस कस्बे के लोग अपने छोटे से हीरो को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे. हैंस ब्रिंकर, और उस हीरो का नाम क्या था? हैंस ब्रिंकर. इफ़ यू एवर विजिट हार्लेम, अगर आप कभी हार्लेम जाएं, या सैर, विजिट मीन जाएं या सैर के लिए जाएं, देयर इज़ अ स्टैचू देयर डैट यू कैन सी ऑफ द हैंस ब्रिंकर. स्टैचू मीन मुजस्मा होता है, तो आप वहाँ हैंस ब्रिंकर का एक मुजस्मा देख सकते हैं. द लिटल डच बॉय हु सेव्ड हिज टाउन विद हिज थंब, एक छोटा लड़का जिसने अपने कस्बे को बचाया विद हिज थंब, अपने अंगूठे के जरिए. सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ दिस स्टोरी? एवरी चाइल्ड शुड ट्राई टू हेल्प ईच अदर इन एनी वे दे कैन. वी शुड ऑलवेज ज्वाइन हैंड्स टू हेल्प द पीपल इन देयर सफरिंग. So students, your home assignment is on your textbook page number 30, part B and part C. In part C, draw a picture of the celebration the town people organized for hens. आपने यहाँ पर सिर्फ celebration किस तरह से उन लोगों ने की, hens के लिए किस तरह से organize किया, आप अपने mind में कोई भी imagine करके उसको यहाँ पर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. इवेंट की सेलिब्रेशन किस तरह से की जाती है वो ड्रॉ करनी है आपने. एंड बी पार्ट इज़ फॉर ट्रू फॉल्स, अबाउट हैंस ब्रिंकर, अबाउट हार्लेम. आई होप स्टूडेंट्स यू इन्जॉय दिस लेक्चर एंड यू लर्न दिस ट्रांसलेशन वेरी वेल. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.